दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना। मात्र आप 10 रुपए में किसी भी राज्य का बर्थ सर्टिफिकेट आप यहां से बना सकते हैं। किस प्रकार से आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे और इस वेबसाइट का आईडी और पासवर्ड आपको किस प्रकार से मिलेगा, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस पोर्टल पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, यानी प्रिंट पोर्टल की सारे सर्विसेज आपको इस वेबसाइट पे मिल जाती है। यहाँ पे राशन कार्ड डाउनलोड करना, पैन कार्ड फाइंड करना, व्हीकल आरसी फाइंड करना, आधार एडवांस जो है फिंगर से आधार कार्ड डाउनलोड करना, और वोटर आईडी में मोबाइल नंबर लिंक करा, इस तरह बहुत सारे सर्विसेज मिल जाती है। यहाँ तक कि आप ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप ओरिजिनल पोल्यूशन पेपर भी आप गाड़ी का बना सकते हैं, ओरिजिनल कोविड सर्टिफिकेट भी आप बना सकते हैं, यहाँ से आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड मैनुअल आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, वो भी 5 रुपए में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट की, तो एक बर्थ सर्टिफिकेट आप 10 रुपए में बना सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट का हो, इंडिया के किसी भी राज्य का बनाना हो तो यहाँ से आप बना सकते हैं। इसके लिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसमें ऐड नहीं है, तो कैसे ऐड करना, इसके रिगार्डिंग मैंने चैनल पे वीडियो दे दिया है आपको, आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप उसको देख कर यहाँ पे हॉस्पिटल ऐड कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको कैसे बनाना है और इस पे आईडी पासवर्ड आपको किस प्रकार से मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है बर्थ सर्टिफिकेट का, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप जनरली दिल्ली से है तो अगर दिल्ली का आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो यहाँ पे दिल्ली बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है। अगर आपको ओनली वेस्ट बंगाल का बनाना है तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल का ऑप्शन है, वेस्ट बंगाल बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से आप बना सकते हैं। अगर आप आसाम का बनाना है तो यहाँ पे आसाम बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन, यहाँ से आप आसाम का बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आप गुजरात से हैं तो यहाँ पे गुजरात बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप गुजरात बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आप पंजाब से हैं तो यहाँ पे पंजाब बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से आप बना सकते हैं। पंजाब का जैसा बर्थ सर्टिफिकेट बनता है सेम आपका वही बर्थ सर्टिफिकेट आपका यहाँ से बनने वाला है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं और आपको जम्मू एंड कश्मीर का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, सिंपली आप यहाँ से इस ऑप्शन से आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। मान लीजिए आप इसमें से अगर कोई अदर स्टेट से है, बाकी अदर स्टेट से है, तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के नीचे में यहाँ दो ऑप्शन दिखते हैं, एक इंग्लिश बर्थ सर्टिफिकेट, एक दूसरा लोकल लैंग्वेज। अगर ओनली आप इंग्लिश लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप लोकल लैंग्वेज के साथ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सेकेंड वाला ऑप्शन से बना सकते हैं। हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में बनाना है तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस, यहाँ पे इंग्लिश बर्थ सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है, यहाँ पे देखिए क्रिएट बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे एक मैनेज का ऑप्शन दिखता है, जब भी आप बनाएंगे तो मैनेज में आपका यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा, कितने आपका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे दिख जाएगा। इसके में आप यहाँ पे देखिए लीगल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सिंपली आपको यहाँ पे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको डेमो बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप डेमो दीजिए, तो यहाँ पे मैं डेमो के रूप में ही दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे बार बार आप व्हाट्सएप पे कमेंट करेंगे कि सर आपके आप डेमो दीजिए, तब लेंगे, भाई आपको लेने की इच्छा हो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, अगर आपको लेने की इच्छा नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। आपको अगर इस वेबसाइट पे काम करना है तो यहाँ पे मैं सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, सेम यही प्रोसेस आपका होने वाला है। यहाँ पे देखिए आपको जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी जेंडर जिनका भी आप बना रहे हैं यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे डेमो दिखा रहे हैं इसलिए कुछ भी जेंडर रख लेते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जन्मतिथि, यहाँ पे कुछ भी जन्मतिथि यहाँ पे रख सकते हैं, जितना भी एज का चाहे बनाना चाहते हैं, चाहे 10 साल का हो या 20 साल का या 100 साल का, किसी भी व्यक्ति का बनाना है तो यहाँ पे आप एज सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक 1995 का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रख लेते हैं, एक यहाँ पे बताओ प्रोसेस, बस समझिए प्रोसेस यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट किया, यहाँ पे वर्ड्स में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, यहाँ पे आपका फुल नेम देना है, तो जो भी आपका नाम है, तो चलिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं डेमो, क्योंकि मैं डेमो के पर्पज से बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपका आधार नंबर है तो यहाँ पे जो भी आधार नंबर है यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे, अगर आधार नंबर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पे बर्थ प्लेस में जो भी आपका बर्थ प्लेस है यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, चलिए हम यहाँ पे बर्थ प्लेस यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, बस प्रोसेस को ध्यान में देखिए।
इसके बाद यहाँ पे फादर नेम डाल देना है इंग्लिश में, जैसे भी आप फादर का नाम है वो आप ये डाल देना है। चाहिए हम यहाँ पे फादर का नाम डाल दिए डेमो, यहाँ पे अगर फादर का आधार है तो डाल दीजिए, नहीं है तब तो खाली छोड़ सकते हैं। चलिए हमारे पास नहीं है तो कुछ भी आधार नंबर यहाँ पे आपको डाल के दिखा दे रहे हैं, जो भी आपको आधार नंबर डाल देना है वो डायरेक्ट डिजिट का। इसके बाद यहाँ पे मदर का नाम डालना है, यहाँ देखिए मदर नाम डालना है, जो भी मदर नाम है। तो चलिए हम यहाँ पे डेमो दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे डेमो ही टाइप कर दे रहे हैं, और यहाँ पे मदर का आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। चलिए मदर आधार नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे अस्थाई पता में यहाँ पूछ रहा है एड्रेस ऑफ द पेरेंट एंड द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय माता पिता का क्या एड्रेस था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए जो भी एड्रेस है, चलिए यहाँ पे हम एड्रेस में डेमो डाल देते हैं, आपको बता रहा है प्रोसेस, बस आप यहाँ पे प्रोसेस समझिए। यहाँ पे जन्म के समय का पता, यानी जो जो एड्रेस है यहाँ पे, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो दोनों एड्रेस को आपको सेम यहाँ पे टाइप कर देना है, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे पंजीकरण की तिथि यानी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जब भी आप बना रहे हैं उस दिन का डेट आपको यहाँ पर डालना है, अगर आप उससे पहले का डेट ऑफ डेट डालना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी दिन का डेट यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे टिप्पणी में आपको यहाँ पे जो है खाली छोड़ देना है। अब बाकी अब यहाँ पे स्टेट, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट का आपको बनाना है, तो यहाँ पे कोई भी स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मुझे अभी यहाँ पे हमें तमिलनाडु का बनाना है, तो यहाँ पे हमने तमिलनाडु सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे जो भी जिला का बनाना है वो जिला आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, जो भी जिला का बनाना चाहते हैं इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देखिए हॉस्पिटल यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको हॉस्पिटल ऐड करना है कैसे तो वो बता दे रहा हूँ। चलिए मैं अदर स्टेट जिला का ले लेता हूँ जहाँ से आपको बनाना है, तो यहाँ पे कोई जिला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कोई जिला लिया, अगर इसमें हॉस्पिटल का नाम नहीं दिखता है तो आपको कोई भी जिला आपको अपना जो भी अपना हॉस्पिटल ऐड कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल ऐड करने का जो है प्रोसेस हमने बता दिया है। चलिए हम थोड़ा सा स्टेट चेंज कर लेते हैं, आपको बताने के लिए हमने महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से हमने जो भी एक जिला ले लिया बीड, और यहाँ पे हॉस्पिटल हमने सिलेक्ट, जो भी आपका हॉस्पिटल है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर, मान लीजिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट में जो सीरियल नंबर 9 अंक का आता है तो यहाँ पे 9 सिलेक्ट करेंगे, 10 अंक आता है तो 10 सिलेक्ट करेंगे, 20 अंक आता है तो 20 सिलेक्ट करेंगे। चलिए हमारे यहाँ 10 का बनता है, तो यहाँ पे 10 हमने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ देखिए ये सर्टिफिकेट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे हमारा ऊपर में ही दिख जा रहा है। देखिए यहाँ पे हमने डेमो दिया था इसलिए डेमो यहाँ पे नाम आ रहा है। यहाँ पे एक्शन में आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे एडिट का, यहाँ पे आपको डिलीट का, यहाँ पे पीडीएफ का, और यहाँ पे भी एक पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन है, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। डाउनलोड करना है तो यहाँ से तीनों ऑप्शन आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ आपका ये नए टैब में पीडीएफ में ओपन हो जाता है। पीडीएफ इसको डायरेक्टली आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, जो कि आपका इस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट देखने को मिल रहा हो, जो कि हमारा प्रीव्यू हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपका प्रीव्यू, अगर मान लीजिए आपके पास प्रिंटर नहीं है तो डायरेक्टली आप सेव एज पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप यहाँ पे इसको सेव सेव कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेव कर दिया, आप चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको, सेव कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका फुल किस तरह पर होने वाला है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट को ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा किस प्रकार से दिखेगा। और यहाँ देखिए हमारा ये बर्थ सर्टिफिकेट इस तरह से दिखता है, आपका जिस भी स्टेट का जिस तरह का दिखता है सेम उसी तरह का आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस ये बताया कि आप बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस वेबसाइट का लिंक और आपको आईडी पासवर्ड आपको किस प्रकार से मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक फॉर्मेट तैयार करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं कि जो कि आप भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आपको टाइप करना है 10 वाली बर्थ पोर्टल, यहाँ पे 10 वाली बर्थ पोर्टल आपको टाइप करनी है। इसमें टाइप करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी नाम है फलावा चिल्लावा जो भी नाम होगा आपको अपना नाम, इसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको टाइप करना है, जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि आपका आईडी पासवर्ड जो है आपके व्हाट्सएप पे जाएगा। इसके बाद आपका जो भी ईमेल है वो आपको टाइप करना है, इसके बाद जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट का नाम आपको टाइप कर देना है, इसके बाद जो भी आपका जिला है वो आपको जिला का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट जो लगेगी आईडी की, ये चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आईडी चार्जेस यहाँ पे 200 रुपीज होने वाली है। और इतना चीज करने के बाद आपको यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए
और तो इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है। अगर आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हमारा देखने में प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, स्क्रीन पे भी हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो सिंपली इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप इतना सारा डिटेल सेंड कर देंगे तो आपको 2 से 3 घंटे के अंदर में आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आते, वीडियो का लाइक कर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।